अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूत्रों के अनुसार धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आमिर नाम के जैश ए मोहम्मद आतंकी को कहते हुए सुना जा रहा है कि हमारी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया गया है, अब इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। आतंकी कह रहे हैं कि हमारे 3 साथी कुर्बान हुए हैं और अब इस मंदिर को गिराना ही होगा। हालांकि अभी सुरक्षा एजेंसियां इस ऑडियो की जांच कर रही है। वन इंडिया हिंदी इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पे है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हमले की धमकी दी गई हो। इससे पहले भी राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसमें राम मंदिर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में यूपीएसटीएफ ने 2 आरोपियों को धर दबोचा था, जिनकी पहचान गोंडा निवासी ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र के रूप में हुई थी। दोनों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पूछताछ में पता चला कि ये पूरी साजिश भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद, जो कि एक एनजीओ है, उसके अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने खुद रची थी। उसने सुरक्षा पाने और बड़ा नेता बनने के लिए अपने ही कर्मचारियों से खुद को धमकी भरा ईमेल कराया था। देवेंद्र ने अपनी सोशल मीडिया हैंडलर ताहर सिंह और पर्सनल सेक्रेटरी ओम प्रकाश से धमकी भरा मेल फर्जी ईमेल आईडी से भिजवाया था। मेल भेजने के लिए उसने 2 मोबाइल खरीद कर दोनों को दिए थे। फिर मेल भेजने के बाद मोबाइल को जला दिया गया था। देवेंद्र तिवारी ने सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने और सुरक्षा लेने के लिए पूरा नाटक रचा था। इस मामले में उसने थाने मुकदमा भी दर्ज करवाया था। शिकायत के समय देवेंद्र ने अपने वीडियो बयान में कहा था कि जो मामला पहले से दर्ज है उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही मेरी सुरक्षा को लेकर पुलिस अब तक कुछ कर पाई है। उसने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत के बाद ही ये लोग जागेंगे। वहीं इससे पहले भी साल 2023 में राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी, हालांकि बाद में ये धमकी फर्जी निकली थी। आपको बता दें कि साल 2005 में 5 जुलाई के दिन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या में हमला किया था और अब एक बार फिर अयोध्या में आतंकी हमले का ऑडियो वायरल हुआ है। उसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।